सिर्फ ग्रेवल से भरा हुआ है। इसके आगे वाला ना पूरा ऊपर नीचे खड्डे है, अलग लेवल के खड्डे है वो। हेलो गाइस, दिस इज कुणाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:11। वाह क्या टाइम है, सुबह के बज रहे 11 AM और मैं हो चुका हूँ रेडी नहा के। अभी बस चेंज करेंगे और निकलेंगे एक राइड पे। कौन सी राइड है वो मैं आपको गाड़ी पे बताऊंगा। ऑल सेट, रेडी हो चुका हूँ, हेलमेट भी निकाल लिया, सारी एक्सेसरीज ले ली, अभी चलते हैं। ये हमारी बाइक, हम इसको ही लेके जाने वाले थे बट इसका फ्रंट शॉक अब्सर का ऑयल लीक हो रहा है, इसके लिए आज हम लेके जा रहे हैं MT। और इसके साथ राइड होगी, चलते हैं। 12 बज गए, माइक तो अटैच किए, पता नहीं अभी वॉइस कैसा आ रहा है, आगे जाके चेक करेंगे। अभी एंगल मैंने चेंज किया है बिकॉज वो वाला एंगल में ना थोड़ा कट हो रहा था फ्रंट फेस, तो अभी एंगल चेंज करके वीडियो शूट कर रहा हूँ और बाद में देखते हैं कैसे आता है। इस बाइक में एक कन्फ्यूज़न है, इसका हॉर्न और इंडिकेटर बटन है ना ऊपर नीचे, जब भी चलाता हूँ ना मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ दोनों में। ये बाइक इतनी छोटी है ना किधर से भी निकल जाती है। बुलेट के लिए रुकना पड़ता है, जब बाजू वाला जाएगा तब अपन जाएंगे। यहाँ से लेफ्ट टर्न मारेंगे ना तो टीट वाला मंदिर आएगा, बट अभी हम उधर नहीं जा रहे, अभी हम जा रहे हैं मुरबार रोड पे। अभी इधर पूरा कर्व वाले टर्न से थोड़ा गाड़ी संभाल के चलाएंगे अपन, ब्रेक्स नहीं चाहिए। बारिश में इधर बहुत मज़ा आता है, लास्ट टाइम बारिश में आया था मैं मालसी में, वो टाइम पे यही रोड से आए थे हम लोग। अभी हम लोग जा रहे हैं आलेभाटा, 117 किलोमीटर है यहाँ से आलेभाटा, 117। बारिश में बहुत भारी लगता है इधर का व्यू, एक नंबर। बट वो टाइम पे मेरा कुछ भी नहीं था, हेलमेट था सिर्फ, जस्ट नया नया बाइक लिया था मैंने और एक महीने के बाद आया था एरिया के फ्रेंड्स लोग के साथ। ऐसा रोड चाहिए हर जगह, मज़ा आ जाएगा गाड़ी चलाने के लिए। बारिश में कितना भारी लगेगा ये, अभी इतना मस्त लग रहा है सुबह सुबह। फक, इतना बड़ा खड्डा था बट इतना कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये गाड़ी का मुझे एक ही चीज़ पसंद है, वो है सस्पेंशन। रॉयल एनफील्ड में है ना थोड़ा हार्ड सस्पेंशन मिलता है, तो इसकी वजह से वो थोड़ा प्रॉब्लम देता है, इसमें बहुत सॉफ्ट है। अभी इतना बड़ा खड्डा हम उड़ गया नहीं, गलती से उड़ गया, दिखाई नहीं, कार के नहीं पीछे था। आलेभाटा रिमेनिंग 100 किलोमीटर्स, मतलब 131 किलोमीटर्स टोटल की राइड है आज। वन साइड 130, 132, 160, ठीक है, 33 किलोमीटर्स चला लिया हमने अभी तक, एकदम फ्रेश लग रहा है, कोई भी थकावट नहीं है, क्योंकि अभी तक 30 ही चला है ना, और थोड़ा प्लेन रास्ता ट्रैफिक रहता है। यही अगर अपन अंधेरी जाते थे ना तो अभी तक वाट लगता था, वाट ट्रैफिक में
गाड़ी और टॉप गियर है समझता है नहीं, इसको और दो तीन गियर चाहिए थे। सिक्स गियर पे फिर भी ऐसे लग रहा है, फोर्थ गियर पे, थर्ड फोर्थ गियर पे। मानसल घाट ऑनली 38 किलोमीटर लेफ्ट, उधर सारे बताओ कुछ 36-38 किलोमीटर्स है। अब तक 75 किलोमीटर, अभी हमने ब्रेक लिया है, भाई थक गया था बैठ बैठ के, तो 2 मिनट रुक रहे फिर निकलेंगे। लेट्स गो, चलते हैं। अभी बैटरी भी डाउन हो गई थी, बैटरी भी चेंज कर ली, एक दो फोटो भी निकाले। सीट बहुत गर्म हो गई यार धूप में, अभी चलते हैं। फर्स्ट टाइम आया था ना जब मालसरगढ़, यही चढ़ान पे मेरे को पकड़ा था, मतलब हेलमेट था हम लोग के साथ, बल हम लोग ने नीचे निकाला था हेलमेट और बोला थोड़ा ही ऊपर जाना है तो पहना नहीं है, ऐसे ही आ रहे थे तो हमको पकड़ लिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये स्पॉट पे पकड़ लिया था, तो फाइन मारा था विदाउट हेलमेट। थोड़ा सा रास्ता ख़राब है इधर, आगे अच्छा है। इतना सारे वाटरफॉल्स होते हैं यहाँ पे बारिश के टाइम, बारिश के टाइम आने में मज़ा है इधर। अभी के वेदर में रश भी नहीं है और कुछ है भी नहीं, माँ कसम क्रिवल्स पूरा। तो रुकते हैं मस्त जगह पे, पहले खाएंगे फिर आगे जाएंगे। आंटी देखो वीडियो निकाल रही है। रास्ता अभी तक प्रॉपर बना भी नहीं है, काम चालू है उसका पूरा, वहाँ बस बहुत बेकार रास्ता है। नब्बे किलोमीटर में कुछ हुआ नहीं, पर 5 किलोमीटर में पूरा वाट लगा दिया, हाथ दुखने लगा पूरा। यहाँ पे गाड़ी पार्क करती है और अभी खाना खा लेते, थोड़े फ्रेश होते। फर्स्ट बाइट गया ना पापड़ का पेट में, एकदम रिलैक्स लगा, अब भी कुछ मज़ा आ रहा है। स्नैप जब नहीं निकाला, जब भूख लगता है तब तो मैं स्नैप नहीं निकालता, पहले खाता हूँ बाद में निकालता हूँ उस टाइम। ऑल सेट, खाना हो चुका है, अभी रेडी होकर जैकेट हेलमेट पहन के फिर से निकलते। अभी रिमेनिंग 45 किलोमीटर्स बचा है, देखते अभी कितना है। ऑल सेट, खाना पीना सब सब ले लिया ना। फोर्टी थ्री मिनट्स हुए हम खाना ही खा रहे थे, 43 मिनट्स का लंबा ब्रेक हो गया। अभी डायरेक्ट उधर पहुंच के रुकेंगे, बीच में रुकेंगे ही नहीं किधर भी।
कितनी ब्यूटीफुल नदी है, नहाने का मन कर रहा है नदी को देख के। एक नंबर व्यू है। पेट्रोल संपले हाय, आमचे पण संपले, आम्ही काय करणार मग। A few moments later. गाइस, काम हो गया हमारा, अभी हम निकल गए घर की तरफ जाने के लिए। अभी बज रहा है, कितना बज रहा है रोशन? 5:23 हो रहा है अभी। अंधेरा होने से पहले मार्शल घाट पहुंचना है, क्योंकि बीच में ना रास्ता बहुत खराब है। फ्यूल अप हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है, अब किधर भी नहीं रुकेंगे, डायरेक्ट चलते हैं। अभी तक टोटल 142 किलोमीटर चली है गाड़ी, एकदम फ्रेश है, नो थकावट कुछ भी नहीं। खाली पिलियन को थोड़ा सा त्रास हो रहा है, उसके बर्ड्स दुख रहे बैठ बैठ के। राज, अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी, पलट। जाते समय गूगल मैप ने हमको ये रास्ते से लेके गया था, सीधा रास्ता था, फिर भी साला गली गली से लेके गया। रास्ता इतना ख़राब नहीं था, अच्छा था, बट छोटा रास्ता था और ब्रेकर्स बहुत थे ना। अभी हम भी फर्स्ट टाइम आए थे गूगल मैप के भरोसे, इतना अच्छा सीधा रास्ता होके वो गली से ले गया, नॉन साइंस। कसम बहुत ही मज़ा आ रहा है ऐसी राइड में, वीक में एक बार ऐसी राइड हो जाए ना, हाँ हाँ एक नंबर, पैसा वसूल। अभी बज रहे हैं 6:05 हो रहे, 6:05, और यहाँ से कल्याण है 108 किलोमीटर। अब वो ख़राब रास्ता चालू हो गया और यहाँ पे ही पहुँचना था अंधेरे से पहले। अंधेरा हो गया ना तो इधर प्रॉब्लम होगा गाड़ी चलाने के लिए, जो स्कीट हो रहा है गाड़ी। ये पैच सिर्फ ग्रेवल से भरा हुआ है, इसके आगे वाला ना पूरा ऊपर नीचे खड्डे है, अलग लेवल के खड्डे है वो। हम धीरे चलाएंगे वरना सांडेंगे इधर कीचड़ में। 10 minutes later. अपने को उधर जाने का, उधर उधर इधर चलना फिर, चल घूम। ऑल सेट, निकलते हैं अभी। इसकी लाइट अच्छी है काफ़ी, मीटियोर से तो अच्छी लाइट है इसकी, मीटियोर को तो इससे भी बेकार लाइट है, कुछ दिखता नहीं आ रहा। मार्च महीने में कौन से बारिश की बूंदें टपक रही है,
बारिश, ये मई महीना नहीं है, मार्च महीना है, गलत टाइम पे तुम आ रहे। इधर हमने रेनवेयर कुछ पहना नहीं है, खाली फुकट ठंडी लगेगा। 280 किलोमीटर चले अभी तक, अभी अंबरनाथ पहुंच गए हम। अभी इधर से क्या 3-4 किलोमीटर रहेगा अपना घर, ऑलमोस्ट 290 किलोमीटर चलेगा, 285-290। आज का राइड ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, ज़्यादा छोटा भी नहीं था, मीडियम राइड था। और ब्लॉग का एंड अब यही पे करते हैं, तो बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक भी करो।